हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। क्या चुनाव से पहले ही ढहने लगा है योगी का किला? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज यूपी की सियासी गलियों से एक ऐसी खबर आई जिसने ये संकेत दे दिया कि यूपी में बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है और उसके अच्छे दिन शायद यूपी में ना आ पाए। दरअसल आज योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के 2-3 दिन बाद ही योगी को जबरदस्त झटका लगा है और उनके करीबी सहयोगी एक करीबी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जो संकेत देता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं है और इसका यूपी की सियासत पर क्या असर होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद कौन कौन से मंत्री और विधायक इस्तीफा देने वाले हैं, किन किन लोगों की लाइन लगी हुई है और योगी के लिए क्यों ये खतरे की घंटी है, इसका क्या सियासी असर होगा, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की बाइट सुनवाता हूं, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं सम्मिलित हुआ, 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही, मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया, बात अनसुनी कर दी गई, नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। केशव मौर्य बात करने को बोल रहे हैं कि आप बैठ के उनसे बात करें। केशव मौर्य जी को पहले क्यों नहीं याद आया, आज उनको क्यों याद आ रहा? इस समय तो सभी बात करेंगे, लेकिन जब बात करने की आवश्यकता थी तो इनके पास समय नहीं था। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या देखते हैं, उनसे क्यों मिले अखिलेश यादव से? अब अभी हमारा अंतिम निर्णय क्या होगा इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। आपके साथ कितनी और लोग सपा में जा रहे हैं? भाई मेरे विषय कौन क्या ट्वीट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, लेकिन अगला फैसला हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने की बात। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के साथ साथ ये भी संकेत दे दिया कि यूपी में आने वाले दिनों में जबरदस्त भगदड़ होने वाली है और बीजेपी के बहुत सारे मंत्री और विधायक पार्टी को छोड़ने वाले हैं। इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, कौन कौन विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं, किनका लाइन में नंबर है, वो सब मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे की क्या वजह बताई है, वो इस्तीफा पढ़कर मैं आपको बताता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो इस्तीफा है उसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम सेवा योजन और समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिर्फ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का ही नुकसान नहीं किया बल्कि युवाओं को नौकरी नहीं दी, उन्हें बेरोजगार बनाया, जो छोटे और मझोले उद्योग थे वो तबाह हो गए और व्यापारियों के खिलाफ भी काम किया योगी सरकार ने, उनका भी नुकसान हुआ। और ये सब होते हुए भी वो उनका जो आइडियोलॉजिकल क्लैश था योगी आदित्यनाथ के साथ में, विचारधारा की जो लड़ाई थी, उसको उन्होंने इसमें मेंशन किया अपने इस्तीफे में और उसकी वजह बताई है कि इन इन कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और मजेदार बात ये है कि ये जो इस्तीफे की हार्ड कॉपी है वो बीजेपी के शाहजहांपुर से जो विधायक हैं वो विधायक लेकर जो है राजनिवास में पहुंचे थे और उन्होंने ये जो रोशनलाल वर्मा है वो इसकी हार्ड कॉपी लेकर वहां पर पहुंचे थे, बीजेपी के विधायक हैं। तो ये माना जा रहा है कि अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं। मैं आपको बताता हूं कि किन किन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है ऑलरेडी और कौन कौन इसमें लाइन में है। दरअसल जो स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके इस्तीफा देने के बाद से 3 और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति, बिलहोर से भगवती सिंह सागर और तिलहर विधानसभा से विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। रोशन लाल वर्मा हार्ड कॉपी इस्तीफे की जो स्वामी प्रसाद मौर्य उसको लेकर राजभवन में पहुंचे थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी के 6 और विधायक जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो गृहमंत्री अमित शाह हैं वो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने ड्यूटी दी है कि वो लगातार इस काम पर लगे रहें, जो विधायक
विधायक जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, उनको मनाने का काम उनको दिया है। और इसके अलावा तमाम जो बीजेपी का जो पूरा संगठन है वो अपने जो लोग हैं चुनाव से पहले उन्हें बचाने पर लगा हुआ है। इस वक्त कई तरह की जो खबरें हैं वो लखनऊ से निकल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में टूट हो गई है, ज़बरदस्त चुनाव से पहले भगदड़ मच गई है और लोग वहां से जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, कुछ दिन पहले वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात उन्होंने की थी, उनकी एक तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और उनके साथ में कई तरह के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। और अखिलेश ने इस बारे में एक ट्वीट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हालांकि अभी इस बात की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये लगभग तय है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं या आने वाले दिनों में वो औपचारिकता निभाएंगे और समाजवादी पार्टी में अपने समर्थकों और नेताओं के विधायकों के साथ चले जाएंगे। इस पर मोहर इसलिए भी लगी है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिले थे और आज अखिलेश यादव ने इस बारे में एक ट्वीट किया है वही पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए। तो उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा मैं वो आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सरसम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो ये बड़ी बात है कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी में एक तरीके का उनको जबरदस्त झटका दिया है और बीजेपी में तोड़ कर दी है, टूट उसमें हो गई है बीजेपी में और उन्होंने घुसपैठ करके बीजेपी के अंदर उनके बहुत ही करीबी लोगों को वहां से निकाल लिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य आपको मालूम होगा कि यूपी की राजनीति में, खासकर पूर्वांचल की राजनीति में, मौर्य, शाक्य निषाद, मल्ला, राजभर, ये जो छोटी छोटी जातियां हैं इनकी खास पकड़ रखने वाले जो नेता हैं उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। और ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य और जो ओम प्रकाश राजभर थे, ये लोग बीजेपी का पूर्वांचल में खासकर उसकी राजनीति में ये जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनके नेताओं के तौर पर ये 2017 में बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ मिलकर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था और वहां करीब 156 जो पूर्वांचल की सीट है उसमें से करीब 106 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो वहां की जो अन्य पिछड़ी जातियों के नेता थे उसका फायदा मिला था बीजेपी को और फिर जो है योगी आदित्यनाथ को सरकार दी गई थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब पूर्वांचल में समीकरण लगभग जो है वो बदल चुके हैं और अखिलेश यादव ने जबरदस्त दाव चला है। पहले आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने योगी कैबिनेट को छोड़ दिया था और अब योगी के जो सहयोगी रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी कैबिनेट छोड़ दी है और ये दोनों नेता जो हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है वो पहले ही गठबंधन कर चुकी है अखिलेश यादव के साथ में और रामाचल राजभर जो हैं उनके साथ भी उनका गठबंधन हो चुका है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनके साथ भी गठबंधन उनका तय है, वो पार्टी में जा रहे हैं, उनको जो है पार्टी में शामिल एक तरीके से औपचारिकता रह गई है। अनाउंसमेंट तो अखिलेश यादव ने करी दी है तो बीजेपी को ये जबरदस्त झटके लगे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव से चंद हफ्ते पहले उनके एक ऐसे ओबीसी चेहरे का चले जाना जिसके दम पर बीजेपी वोट बटोरने की सोच रही थी, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट 2017 में नहीं मिले थे, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे और एक तरीके से कहें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य और जो ओपी राजभर हैं इन लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया था और केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो एक तरीके से अघोषित सीएम पद का दावेदार भी एक माना जा रहा था। बीजेपी ने उनको बहुत उस समय पे इस्तेमाल किया था, चुनावी इस्तेमाल उनका किया था और यह माना जा रहा था कि इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इन लोगों को मंत्री पद मिला और जो केशव प्रसाद मौर्य उनको डिप्टी सीएम का पद दिया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के जो बाकी सहयोगी हैं वो भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो केशव प्रसाद मौर्य का है, वो यूपी के डिप्टी सीएम है और उनके जो छवि है पूर्वांचल में, खासकर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनमें केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी गुस्सा है और खासकर बीजेपी के लिए भी गुस्सा है कि उन लोगों ने जो इन जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर जो केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान किया था उनकी इज्जत नहीं की और
बीजेपी ने, आपको मालूम होगा तस्वीर आती है स्टूल पर बैठे हुए की, तो वो केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से स्टूल मंत्री के तौर पर भी उनका नाम जाना जाता है। तो अब जो है सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य की अंतरात्मा भी जाग जाएगी, क्या केशव प्रसाद मौर्य भी आने वाले दिनों में पार्टी को छोड़ देंगे और अपने आत्मसम्मान के लिए जो है वो काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी में बार बार ये बात सामने आती है कि यदि आपको बीजेपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, मोदी मोदी कहना है, और लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं कि बीजेपी के विधायक सांसद जो हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाखुश हैं, उनके कोई काम नहीं होते, वो कुछ नहीं कर सकते, और सारी की सारी जो फैसले हैं, नीतियाँ हैं, वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही चल रही हैं, उन्हीं के कहने पर चल रही हैं, और बाकी लोगों की कोई औकात उस तरह से रह नहीं गई है, उनकी कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बची नहीं है। तो नाखुशी पहले से थी, वो अब नाखुशी चुनाव से पहले एकदम सामने आ गई है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा अगर बाकी लोग भी चले जाते हैं, 6 विधायक और अभी संपर्क में बताए जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के, तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इस बार बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाट आंदोलन, किसान आंदोलन की वजह से जबरदस्त गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, बहुत सारे किसान मारे गए, तो उसकी नाखुशी है। हमारी चुनाव यात्रा में पूर्वांचल की जब हम गए थे तो चुनाव यात्रा में लोगों ने वहां बताया था कि हमारे नेताओं के, हमारी जो जाति के नेता उनके नाम पर वोट लिया, लेकिन हमको, हमारे लोगों को जो है वो सीएम नहीं बनाया, उनको नेता मंत्री नहीं बनाया, तो वो नाखुशी थी। और खासकर पूर्वांचल के अलावा पश्चिमी यूपी में जो किसान आंदोलन की वजह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है, तो पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों जगह पर जबरदस्त बैकफुट पर है योगी आदित्यनाथ की सरकार। बीजेपी जो पार्टी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान इन दोनों जगह पर होने वाला है, और अब जो समीकरण बन रहे हैं उससे तो ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के किला जो है वो चुनाव से पहले ही ढह गया है, ये जबरदस्त काम हुआ है। अब मैं दरअसल आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के पॉलिटिकल करियर के बारे में भी बता देता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अब तक का जो पॉलिटिकल करियर है वो कैसा रहा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य वो ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, मायावती और बीजेपी, इन सब के साथ वो अलग अलग टाइम पर वो काम कर चुके हैं उनके सहयोगी के तौर पर। इनका जो राजनीतिक सफ़र है वो जान लेते हैं कि दरअसल ये 1989 से 1991 तक जो हैं यूपी लोकदल के मुख्य सचिव रहे थे, यूपी लोकदल पार्टी के। उसके बाद वो 1991 से 95 तक यूपी जनता दल के महासचिव पद पर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 जनवरी 1996 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी और यूपी के वो महासचिव बन गए थे बीएसपी के। और इसी साल बसपा ने स्वामी को रायबरेली की डलमऊ विधानसभा सीट से टिकट दिया और वो पहली बार विधायक बने। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य डलमऊ सीट से चुनाव लड़े और दूसरी बार फिर विधायक बन गए। वो मायावती की सरकार में 2007 से 2009 तक कैबिनेट मंत्री भी रहे थे और जनवरी 2008 में मौर्य को बसपा का यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। वो एक वक्त में मायावती के करीबी माने जाते थे, उन्होंने उसके बाद विधायकी छोड़ दी। और उसके बाद 2009 में पडरौना विधानसभा के उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह की मां को चुनाव में हरा दिया था, तो उनका पॉलिटिकल कद बड़ा माना जाता है इस लिहाज से। और उसके बाद साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सपा के हाथों जबरदस्त हार झेलनी पड़ी थी और मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष थे उनके पद से हटा दिया था, उसको हटाकर नेता प्रतिपक्ष बनाया था और उनकी जगह राम अचल राजभर को यूपी में पार्टी की कमान सौंपी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 8 अगस्त 2016 को भाजपा का दामन थाम लिया, बीएसपी को उन्होंने छोड़ दिया और भाजपा में वो आ गए। और फिर भाजपा के टिकट पर जो हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पडरौना विधानसभा सीट से ही वो विधायक चुने गए और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में उन्हें श्रम, सेवायोजन, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभागों के मंत्री का काम दिया गया। तो चुनाव से पहले तो ये खींचतान चली रही थी, इसको लेकर लगातार खबरें आती रहती थी, लेकिन सिर्फ ये जो डेट अनाउंस हुई है उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और अब आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे बीजेपी के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो इसका जो सीधा सीधा संदेश ये है कि यूपी में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और बहुत मुश्किल उनको होने वाली है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट आंदोलन, किसान आंदोलन की वजह से सब लोग वहाँ पर नाराज़ हैं। पूर्वांचल में जो अन्य जातियों के जो नेता हैं, रामचल राजभर है, ये केशव प्रसाद मौर्य अभी भी पार्टी के साथ बने हुए हैं, अगर वो भी आ जाते हैं तो फिर और मुश्किल होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, उसके अलावा ओपी राजभर जो हैं वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो जो अन्य जो छोटे छोटे दल थे उनके साथ आने से समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत स्थिति में चली गई है। बसपा का अपना जो
कार्डर वोट है वो भी जो है नुकसान करेगा बीजेपी के लिए। बसपा के अपने जो उम्मीदवार हैं अलग अलग जगह जहां पर वो मजबूती से लड़ेंगे वहां पर वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है सपा बसपा और बीजेपी के बीच का जो त्रिकोणीय मुकाबला है उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये बहुत ही एक तरीके से कहें कि योगी आदित्यनाथ के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बनना यूपी का आने वाले दिनों में पता चलेगा बहुत मुश्किल है। और इस बार उनकी राह बहुत मुश्किल होने वाली है। हालांकि 2017 में वो दावेदार नहीं थे तब बीजेपी को टिकट मिला था लेकिन इस बार जनता उनके 5 साल का कार्यकाल देख चुकी है। जो यूपी है वो किस तरह से कोरोना में लाशें बह रही थी वो देख चुका है। रोजगार के मसले पर किस तरह से यूपी फिसड्डी साबित हुआ वो देख चुका है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पर नीति आयोग का सर्वे कहता है कि जो यूपी है वो फिसड्डी है उसको 19वां नंबर मिला। उसके अलावा आप देखेंगे कि खेती बाड़ी की जो बुरी हालत हुई है उसमें 17वें पायदान पर है। और जो एनसीआरबी का डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो ये कहता है कि योगीराज में लगातार अपराध बढ़े हैं। तो इन सारी चीज़ों को जनता देख चुकी है। पहले अच्छे दिनों का सपना दिखाया था लेकिन अब अच्छे दिनों की हकीकत जनता समझ चुकी है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी ने जो ये एक तरीके की ये सेबोटाज करवा रही है वहां के जो बीजेपी के नेता हैं उनके जरिए तो इससे बीजेपी जबरदस्त कमजोर हुई है और आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी होगा। बहन जी की पार्टी बीएसपी भी मैदान में है। तो कुल मिलाकर ये सभी लोग जब इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे तो क्या नतीजे होंगे उसके अंदाजे हमें थोड़े थोड़े अभी से लगने लगे हैं। और ये जो यूपी में कमाल होने वाला है ये इसकी खबरें लगातार हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये पॉलिटिकल अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहेंगे। आज का जो अपडेट है वो कैसा लगा ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों मेरा नाम सुमित चौहान है और आने वाले दिनों में यूपी में बहुत कुछ होने वाला है। नजर रखिए हमारे चैनल को लगातार फॉलो कीजिए। हमारा चुनाव यात्रा जो है वो अलग अलग इलाकों में यूपी के जा रहे हैं और लोगों से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम स्टूडियो में बैठकर फर्जी ओपिनियन पोल नहीं दिखाते हम आपको सीधे जनता के मन की बात बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। साथियों मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।